चलो ये खाने का काम तो निमट गया, बर्तन करने की हिम्मत नहीं है, मार भी कब की। चले गए सब मेहमान? हाँ जी मम्मी जी, सब चले गए। साहिल कहाँ है? वो भी उन्हीं के साथ चले गए, कह रहे थे रात को लेट हो जाऊंगा। तो आप बैठी क्यों है? रसोई साफ कर लेते, क्या गंद मचा पड़ा है उसमें। मम्मी जी आपको पता है ना अच्छे से, मैं सुबह से लगी हुई हूँ काम में, सारे घर का काम था, वो 7-8 जनों का खाना अलग से, किसी का सहारा तो है नहीं, पैरों में दर्द हो गया मेरा सुबह से खड़े खड़े। मम्मी जी मैं भी इंसान हूँ, कोई रोबोट मशीन नहीं हूँ। ओहो, 2-4 आदमियों का काम फालतू करना पड़ गया तो तेरे हाथ पैर टूट गए। और एक हम थे, इतने लोगों का खाना तो हम रोज बना लिया करते। दीदी का फोन। हेलो, नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी, सब ठीक ठाक है? बड़ी उदासी लग रही हो। भाभी मम्मी कहाँ हैं? बात करवा दो उनसे। हाँ हाँ अभी करवा देती हूँ। मम्मी मम्मी क्या है? हाँ बोल। दीदी का फोन है, देखना वो उदास से लग रही है कुछ। क्या ला दे? हेलो, नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा। क्या हुआ, बड़ी उदासी लग रही है? हाँ ठीक ही है बस। क्या हुआ बता तो सही। मैं तो दुखी हो गई हूँ अपने सास से। क्यों? अरे मैं कितना ही काम कर लूँ, कभी दिखता ही नहीं है उनको। पता है कभी कभी तो ना पूरा दिन निकल जाता है खड़े खड़े। लेकिन मजा ले, एक बार भी कह दे बहू तू थक गई होगी, आराम कर ले। अभी पता है मेरी नंद की 4-5 सहेली आई घर पर, सबका खाना बनाया मैंने। सास ने तो कह दिया नाश्ता भी बना लेना खाना भी बना लेना। मैंने कहा भी मम्मी से, मम्मी ऐसा करो नाश्ता बाहर से मंगा लो, उल्टा और मतलब सुनाने लग गई। अरे तू बना दे, क्या हो जाएगा, पकौड़े तो बनाने हैं, बना दे नाश्ते में। पता है मम्मी उस दिन सुबह 8 बजे की लगे लगे मैं ना रात को 11 बजे बिस्तर में लेटी थी, पूरी कमर अकड़ गई मम्मी मेरी। लेकिन मजाल है, एक तारीफ का बोल जो माँ बेटी ने बोला हो तो। अच्छा, बड़ी बुरी है तेरी सास तो। और सुनो, मेरी सास ऊपर से मुझे और सुना रही थी, कह रही थी इतना खाने का काम तो है ना मैं रोज रोजमर्रा में कर लिया करते, इतने से काम में तुम्हारे हाथ टूट रहे हैं। तो उन्होंने ना माँ बेटी ने मेरी जान खा रखी है। मम्मी भाभी सच में बड़ी खुशकिस्मत है जो उन्हें आप जैसी सास मिली है। शुक्र है मम्मी, आप मेरी सास जैसी नहीं हो। अच्छा मम्मी फोन रखती हूँ, मेरी सास आ गई तो उल्टा और मजा सुनाएगी। अच्छा बेटा। अच्छा मम्मी नमस्ते। तो आप बैठी क्यों है? रसोई साफ कर लेते, क्या गंद मचा पड़ा है उसमें। मम्मी जी मैं भी इंसान हूँ, कोई रोबोट मशीन नहीं हूँ। ओहो,
दो चार आदमियों का काम फालतू करना पड़ गया तो तेरे हाथ पैर टूट गए। हाय फ्रेंड्स, ससुराल में बहू एक पत्नी बनकर, माँ बनकर, भाभी बनकर सबकी खुशियों का ध्यान रखती है, तो ससुराल वालों का फर्ज नहीं बनता कि उसकी खुशियों का ध्यान रखें। आपका इस बारे में क्या कहना है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जिन्होंने लाइफ मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लाइफ मोटिवेशन फैमिली का हिस्सा बनिए। धन्यवाद।